वालेकुम अस्सलाम। बड़े ही खूबसूरत हो लग रही हो। बड़ा अच्छा मेकअप हुआ हुआ है। खुद किया है? पोलर से कराया है मेकअप? अच्छा, पोलर से। बहुत प्यारी लग रही है भाई डोली तो। गजब ढा रही हो आज तो। शुक्रिया चिच्ची फूल। बड़ी खूबसूरत लग रही होगी। अब कपड़े भी वो फो ऐसे कपड़े तो हमने बहुत दिन के बाद देखे भैया। शुक्रिया गुप्ती। हाँ, ये क्रॉप टॉप नया लिया है, शराब मार्केट से लेऊंगी। महंगा होगा लेकिन अच्छा होगा। हाँ ये तो है भाई, ये चीज ऐसी शराब मार्केट में मिल जाती है जो कहीं मिल नहीं सकती। अब तो लोग दूर दूर से रामपुर के कपड़ों के फैन हो रहे हैं। रामपुर के कपड़े कहते हैं हमें तो रामपुर के कपड़े दिलवा दो। मुझसे भी कह रही थी मेरी एक वो कि अब जो रामपुर में सामान मिलता है वो कहीं नहीं मिल गया है। अलग ही बात होती है। जोड़ा तो देखते ही लग गया था कि नया हैगा। शादी वाला नहीं पहना हैगा? शादी वाला तो मेरे इनसे कहा शादी वाला पहनती हूँ मैं, गले का पहन लेती हूँ। जो मेरा गरारा था तो कह रहे नहीं, तो फिर मैं शेरवानी थोड़ी पहनूंगी शादी वाली। इसलिए मेरी अम्मी ने मुझे गरारा और इनकी शेरवानी का बनाया था पूरा। मैंने कहा फिर ऐसा खराब लगेगा खाली मैं पहने रहूँ तो, इसलिए नया खरीदा है। हाँ हमी ने तुम्हारी अम्मी को फोन किया था कि आजकल मैचिंग चल रही है दूल्हा दुल्हन का, वही बनवाना। दुनिया के हिसाब से चलो एडवांस मॉल में दोनों के मियाँ बीवी के मैचिंग कपड़े हैं। टीवी में भी देखो सीरियलों में मैचिंग कपड़े हैं दूल्हा दुल्हन के। काफी वाफी सब ले लेना ठीक। ना ना मैं और कॉफी नहीं पीऊंगी, बदतमीज बाथरूम आने लगता है। अम्मी नहीं दिख रही है तुम्हारी, आएंगी? अम्मी आएंगी, सब सामान लाई थी अम्मी, मैंने को उधर ही रख दिए अम्मी के पास, तो वो सब देख लेंगी। अच्छा क्या क्या लाएंगे? बहुत सामान लाएंगे, बस मुझे तो मेरे गले में तो ये चेन पहना दी कि चेन घूम नहीं जाए, तुम ये चेन पहन लो। हाँ चेन कितने तोले की होगी? दो तीन तोले से क्या कम की होगी, अब तो दो तीन तोले से कम सोना नजर में भी तो नहीं आता है। हाँ ये तो सही कह रही हो, आजकल इतना महंगा सोना है और नजर में कुछ आता नहीं हैगा। सुल्तान का ये डाल के भी दिया है। चेन भी बड़ी अच्छी लग रही है, ये चेन लाएंगे अम्मी? तुम्हें क्या होगा सुल्तान के नाम का दियो। ओली ठंड लग रही थी मुझे, मैंने कहा भैया शाल ओढ़ लो, रेशमी सूटों में और ठंड लगती है। हाँ सही कह रही है भाभी, रेशमी कपड़ों का तो समझ में नहीं आता कि कौन से सीजन में पहने जाएं। सर्दियों में बहुत सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी। मैं भी शॉल रखते रखते लिया ही, मैंने कहा ठंड हो रही है। आप पहन तो लो, फैशन में ठंड लगती। यहाँ किधर था तुम्हारा? ये मेरी अम्मी की तरफ का है, ये है ससुराल का हल्का पत्ता। ससुराल का है ये। अच्छा, ये तुम्हारा रानी हार भी तो था, वो कहाँ रखा हुआ है? अम्मी के पास हैगा वो तो सामान मेरा, सब मैं नहीं पहनती हूँ, सब संभाल के रखती हूँ, कहीं कुछ गिर मिल जाए सब अम्मी के पास रखा हैगा। तुम्हारी अम्मी के घर? नहीं नहीं सुल्तान की अम्मी के पास, सास के पास हमारी। अच्छा मेके में कुछ नहीं लगती भाई, मेके का क्या होता है, मेका थोड़ी ना वो होता है, जो कुछ होता है ससुराल होती है, तो ससुराल में रखा हुआ है। Meanwhile, अम्मी देखो ये है पुप्पी का, पूछेंगी ये सेट कहाँ का है, वो सेट कहाँ का है, बता दिया मैंने। हाँ लोग ऐसे तो पूछते हैं ये कहाँ का है वो कहाँ का है। नहीं नहीं देवर का पूछ रही थी कि कहाँ रखती हो अपने अम्मी के पास, मैंने कहा नहीं नहीं सास के कने है, तुमसे पूछे तो तुम भी यही कहे ना, सब अपनी सास के पास रखती है, मैंने नहीं बताया कि सब मेरा मेके में है। सही किया तूने, मना किए थे, डोली बहुत तेज है, सब मेके में रखे हुए, सही किया तूने इस टाइम। दिमाग की खेल ली अम्मी मेरी इस टाइम, मैंने कहा अभी बताऊंगी कि मेरी अम्मी के पास है तो वो हो जाएंगी। बेटी अपने घर की बात नहीं बताते हैंगे? अपने घर में चाहे कुछ भी चल लिया है, सास बहू में नंदों में कुछ भी, लेकिन घर की बात कहीं और नहीं कहते हैंगे। आदमी को मौका मिलता है बातें बनाने का। बिल्कुल सही किया तूने मेरी बच्ची, बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। हाँ सही समझदार हो गई अम्मी, मैं बहुत जिम्मेदारी सब सिखा देती अम्मी, शादी होती है वो लड़की समझदार हो जाती है। A few moments later. छोटी बाजी बड़ी बाजी नहीं दिख रही हैंगी? हमारी भाभी में इतना शगुन नहीं हैगा कि बड़ी हमारी बाजी नाराज चल लेंगी इनसे, क्या ये मना लेती फोन कर लेती, फोन वोन कुछ नहीं करती है ये किसी को, ये तो और सोचती है तुम रूठे हम छूटे। बता रही थी बाजी इनसे कुछ हो गई है तीन पाँच उनकी, जाऊंगी तो करूंगी फोन पे, कहाँ सही से बात हो पाती, मेरा तो कान जलने लगता है इतने ज्यादा देर, पुराना हो गया ना मेरा फोन। अब मैं जाऊंगी कल, वाल देखूंगी क्या बात हुई है, पता करके आऊंगी। ऐसा तो है भाई, खैर ये ज्यादा किसी को गर्दानती नहीं है, बस अपने अपने में रहती है, अपनी बहनें अपनी माँ। क्या बात है कि इनकी नानी नहीं दिख रही है। ए बबली इधर आ बेटी,
जी फूल चाची, नानी नहीं दिख रही है तुम्हारी? नानी को बुखार आ गया है, 102 बुखार है रात से उनको, इसलिए वो आराम कर रही है। अच्छा बुखार आ गया, अच्छा ठीक है बेटी जा, कुछ नहीं हुआ होगा इनकी नानी को। इनकी नानी हमसे घबराती है, हमारे सामने नहीं आती हैंगी। मैं जवाब दे देती हूँ ना, कुछ कहती हूँ मैं फौरन उनको लड़ी कर देती हूँ, हम लोग के सामने नहीं आती। छोटी बाजी मैं कही थी लिफाफा दे दूँ क्या? इतनी क्या जल्दी पड़ी हैगी तुम्हें? अभी नेफे में टूंग लो लिफाफा, अभी मत देना। छोटी बाजी नेफे में क्यों टूंग लूंगी, परस है मेरे पास, परस में रख लेती हूँ। हाँ तो परस में रख लो, पहले खाना देखो। मेरे साथ ये धोखा कई बार हो चुका है भैया, कि आदमी 500 रुपये दे के आया, पता चला खाना तो 100 रुपये वाला भी नहीं है। अभी तुम रुक जाओ, पहले हम खाना देख ले फिर देंगे लिफाफा, कोई लेकर थोड़ी चले आऊंगा। मैं तो नाम लिखवा के ले आऊंगी लड़की से, मैंने कहा भैया मेरा लिफाफे में नाम लिख दो। सही कह रही हो, खाना देख के पैसे दिए जाए। बस वो मेरे परस में रख लिया, जब मैंने देखा मैंने सोचा मैं देखूंगी कैसा खाना है, वैसे पैसे दूंगी। अच्छा हाँ सही कह रही हो छोटी बाजी, बिल्कुल सही कह रही हो। A few moments later. सब खैरियत है। अरे कहाँ बहन, हीरोइन की तो कोई बात नहीं है, मेरा ना उसका ना आँख का ऑपरेशन हुआ है, मोतिया भीम का ना। हाँ तो ना वो मैं ना डॉक्टर ने मना किया था धूप में मत जाइयो, अब मैं वही मत तो पत्थर पड़ जाते, अब मैं बाजार को चली गई, इतनी तत्ती धूप थी और भैया वो फिर अब वो परमानेंट हो गया है। उन्होंने कहा अब नहीं उतरेगा चाची, अब तो लगाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ले कम वक्त मुँह भर वक्त ये काला चश्मा अलग टंगा रहेगा। हाँ ये तो है, बड़ी सख्ती होती है ऑपरेशन के बाद। हमारे दूल्हा तो कहते हैं बहुत खूबसूरत लगती है, गोरे रंग पर काला चश्मा अच्छा लगता है तुम्हारे पर, तो मुझे ना ऐसा लगता है आंखों पे कुछ रखा है सर, भारी भारी अजीब सा लगता है। Meanwhile, हमने तो सुना था रिश्ता तुमने कराया। मैंने तो कराया था रिश्ता, और क्या, डोली के तो एक से एक अच्छे रिश्ते थे, पर डोली की माँ को ना ये लड़का इनका बड़ा पसंद आया था, और है भी माशाल्लाह से अच्छा लड़का है, आदत खसलत का बड़ा अच्छा है, बहुत कायदे का लड़का है। ओए हमने तो सुना था कि हमारी भाभी को मोटी पाल्टी चाहिए, और जो लड़की वाले हैं डोली की अम्मी, इनको मोहल्ले का कोई चाहिए, दूरनी करेंगी तब हुई है शादी। हाँ बिन्नो बिल्कुल सही सुना है तुमने बहन, बिल्कुल सही बात सुनी, इसी मारे तो मैंने यहाँ रिश्ता करवाया था। अच्छा तो इसका मतलब मेरी रपट गलत नहीं थी, बिल्कुल सही रपट थी मेरे पास। हाँ और क्या भाई, बेकार किया जाए, अब मोटी पार्टी की तो बहुत डिमांड है। सही कह रही हो, पैसे वालों को ढूंढना है सब, बिल्कुल सही कह रही हो, अच्छी अच्छी लड़कियाँ बैठी होंगी, बिल्कुल सही कह रही हो। बहुत तो डोली की उसको पसंद बहुत आया था। मैंने कहा भैया अब इसकी जो माँ है डोली की, बड़ी रख रखाव की है, बड़ी रख रखाव भिन्नो, जहाँ कुछ होता है वो और सोने की टूमों से तो कम बात ही नहीं करती है, जाने कितने तो इनको बुढ़िया को वो सोने के टोप चढ़ा चुकी है। हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा, लेन देन में बहुत आगे हैं। हाँ अब कुछ होता है तो वो कुछ ना कुछ, अब देखो अभी शादी की सालगिरह पे कितना सामान लाई है, और इनको बड़ी भी को सोने की टूमों ना लग दी है। हाँ अपने बेटे को तो आए दिन चढ़ाई लगी है, आए दिन कभी सोने की बाली, वो बर्थडे हुआ था उसका तो सोने की बाली, लो भैया बेटे का बर्थडे आया था दामाद का तो भी वो सोने की बालियाँ दे के गई थी, और भैया अब वो देख रही कितनी लंबी चेन लेके आई, और डोली बिरयानी इधर आइए। मैं कह रही थी बच्ची थोड़ा सा ना बिरयानी और जरा से सालन दे दियो, ये आए नहीं है तुम्हारे अंकल। हाँ इनको ना वो इस टाइम ना ठंड भी हैगी ना, तो बेचारों को ना सांस पे जोर हो गया था, मैंने कहा रेंदी मिली आऊँगी आपके लिए। हाँ ना बच्ची दे दियो, मैं बस जल्दी घर को जाऊँगी, बेचारे इकले बैठे हुए घर पर, हाँ हमारी बहू भी नहीं गई हुई है। भैया सुल्तान से गई ना, पैसे तुम्हारे लगे लेकिन सबने बहुत मजा किया है, बहुत अच्छा तुम्हारा खर्चा हो गया, लेकिन सबने एंजॉय भी किया। हाँ वरना वो ये कह रहे थे इतने तुम पैसे लगा रही हो तो सबको मजा आना चाहिए, यहाँ से जाकर सब खुशी खुशी जाए। तुम भी आना किसी दिन।